की आकृति बना दिया। आज हम पढ़ेंगे जो इंजीनियरिंग में अलग अलग औजारों का उपयोग होता है उसका हस्तरेखा चित्रण कैसे करना। हमारे जब हम कहीं पर भी जाते हैं फैक्ट्री में या कोई भी काम करते हैं तो मशीनों को खोलने के लिए, मशीनों को सुधारने के लिए, मशीनों के अलग अलग पुर्जे बनाने के लिए, उनके नापतोल करने के लिए, उनके मार्किंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं। कई बार हमें कोई चीज़ मशीन के कोई पुर्जा बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें अपने हिसाब से औजार की बनावट करनी पड़े, तो हम उसके लिए भी पहले से कि हमें इस प्रकार का औजार चाहिएगा उसकी हमें ड्राइंग बनाते हैं और फिर पहले औजार बनवाते हैं और फिर उस औजार से उस टाइप का पुर्जा हम बनाते हैं। तो इसको अलग अलग तरह के औजार होते हैं, अलग अलग जो ट्रेडों में काम आते हैं। जैसे काटने वाले औजार होते हैं जिन्हें हम कटिंग टूल कहते हैं, है ना, और नापने वाले औजार होते हैं, छेद करने वाले औजार होते हैं जिसे हम ड्रिलिंग टूल कहते हैं, हैमरिंग टूल होते हैं जिससे हम चोट पहुंचाते हैं, जब हम औजार वगैरह बनाते हैं तो पकड़ने वाले कुछ औजार होते हैं जिससे हम पकड़ते और काम करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग तरह के औजार। तो आज हम देखेंगे कटिंग टूल्स या काटने वाले औजार जैसे हम कहा। तो कटिंग टूल्स में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की फाइलें होती हैं जो कटिंग टूल्स में आती है। काम में छीनी जानते हो, सीजर या छीनी वो कटिंग टूल्स होती है, आरी आरी भी कटिंग टूल्स होती है, आप अपनी किताबें निकाल लीजिए आपने। तो किताबें में सबसे पहले अपन फाइल्स अलग अलग तरह की फाइल का वो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल इस तरह के आकार की फाइल। इसमें एक हैंडल होता है जिससे हम इसको पकड़ते हैं। ये हैंडल की बनावट अलग अलग तरह की हो सकती है। अगला सिरा ये फ्लेट के आकार की होती है, पट्टी के आकार की होती है, इसलिए इसको फ्लेट फाइल बोलते हैं। इधर देखें,
अब हमने देखा होगा इसके जो दांते हैं वो हमने एक तरफ बनाए, एक ही डायरेक्शन में बनाए। जब एक डायरेक्शन में दांते बनाए जाते हैं तो इसको सिंगल कट बोलते हैं। जब दांते दोनों डायरेक्शन में होते हैं होते हैं तो इसको हम डबल कट बोलते हैं। जो फाइलें अलग अलग प्रकार की होती हैं उसमें फाइल जो रहती है, एक तो उनका जो शेप होता है, जो उनका आकार होता है उसके आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। जैसे ये स्क्वायर फाइल, ये ट्रायंगुलर फाइल, ये हाफ राउंड फाइल, ये राउंड फाइल। ये पंख के आकार की, इसलिए इसको फीडर फाइल बोलते हैं। तो इनका जो शेप है, एक तो उस आधार पे फाइलों को बांटा गया, दूसरा इनकी लंबाई के आधार पर, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच है, अलग अलग लंबाई के आधार पर फाइलों को बांटा गया। तीसरा इनकी जो कटिंग का वो रहता है, एक मोटे दांते होते हैं रफ कटिंग के लिए, उसको रफ फाइल बोलते हैं, जिसमें बारीक दांते हैं उसको फाइन फाइल बोलते हैं। इस प्रकार जो इनके दांते होते हैं, सिंगल कट, एक तरफ कट होता है उसको सिंगल कट फाइल बोलते हैं, दोनों तरफ कट होते हैं उनको डबल कट फाइल बोलते हैं। इस प्रकार इनके जो दांते होते हैं जो काटने के काम आते हैं, उनके आधार पर हम फाइलों को अलग अलग तरीके से काटते। ठीक है, अब आप एक ट्रायंगुलर फाइल, एक स्क्वायर फाइल, एक हाफ राउंड फाइल और एक राउंड, इनके चित्र बनाएंगे। एक एक पत्ती आएगा यहाँ पे और उनका चित्र बना लेंगे। किस चीज का चित्र बना रहा है, ये क्या है, कौन से तरह की फाइल है, ये कैसी दिख रही है, दिखने में कैसी दिख रही है, गोल, गोल का मतलब गोल, गोल फाइल, गोल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राउंड। ये कौन सी फाइल हो गई, राउंड फाइल या गोल फाइल, इसको क्या बोला है, गोल रहती फाइल का मतलब रहती, गोल रहती। ये आपको परीक्षा में आता है और यदि परीक्षा में आता है कोई सा भी एक उपकरण तो 15 से 20 नंबर का आता है चित्र, और मात्र एक चित्र बना दोगे तो पास हो जाओगे। सही, क्या बहुत ज्यादा समस्या है क्या, पीछे हैंडल भी बना सकते हो आप चाहो तो। ये आगे से दिखने में कैसी है वो बनाओ साइड में, जैसे मैंने फ्लैट फाइल का बनाया था, ये ठीक है, हैंडल ठीक है, यहाँ पे आप बनाओ कि ये आगे से कैसी दिख रही है। ठीक है, इसके दांते बनाओ, बना दो इस टाइप के दांते,
बिना नाते के तो फाइल ही नहीं रहेगी। वो सही है, आपने अच्छा बनाया इसको, अपने सदे हुए हाथ से अपन और अच्छा बना सकते हैं, और सुंदर दिखे इस टाइप से बना सकते, ठीक है ना। ये कौन सी फाइल है? गोल पेपर क्या राउंड फाइल, ठीक। नेक्स्ट ये कौन सी फाइल है? हाफ राउंड, हाफ राउंड। हाँ ये आप ही बनाना, सब आप ही को बनाना है। ये राउंड दिखे ना, एक खड़ी लाइन बनाओ और एक इसमें ऐसा दिखे ना। अब बहुत अच्छा चित्र बनाया आपने, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी फाइल के हिसाब से हैंडल थोड़ा छोटा है, हैं? तो उसको बड़ा कर दो, इसको यहीं से काट दो, बड़ा हैंडल कर दो, क्योंकि इतनी सी छोटे से हैंडल से अपन नहीं कर पाएंगे काम। ज़्यादा बड़ा हो गया इतना,
चाहिए इस खाने को पकड़ लेते, ठीक है। ये चूंकि इसका ये राउंड होता है इसलिए हाफ राउंड होता है, इसलिए इसको हाफ राउंड भाई राजू आप बनाओ। ये कौन सी फाइल है? कौन सी फाइल है? कौन सी फाइल है? त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार, ठीक है। इसका चित्र बनाओ, इसका चित्र अपन इसको यू देख रहे हैं, इसको अपन यू देख रहे हैं। अब ये कैसा दिख रहा है? यू देख रहे हैं, इस टाइप के आपको चित्र बना, इसको अपन यू देख के भी बना सकते हैं, लेकिन ये फ्लैट फाइल जैसी दिखेगी, है ना, इसलिए अपन इसको यू देख रहे हैं। इसका जब दृश्य बनाऊंगा यहाँ देख रहे हैं ना, ये इस टाइप से नहीं बना है, और ये फाइल के हिसाब से इसकी ये जो चीज है ना ये ज्यादा बड़े बना है, मतलब ये इतनी होती है ना, तो ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट ये जब अपन बीच की लाइन दिखाए तो इसको इस बीच की लाइन ऐसे मतलब नहीं दिखेगी, बीच की लाइन जब दिखाए तो इसको इस टाइप से, ठीक है। इसको अपन एक तरीके से और दिखा बना सकते हैं जिससे ये अपने को बहुत अच्छी दिखेगी और सही दिखेगी।
क्या है इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ता है। इसको यदि अपन इस तरीके से इसको आइसोमेट्रिक व्यू में बनाएंगे तो अपने को ये ज़्यादा अच्छे से ठीक है। वेरी गुड। अब कौन आएगा, कौन बचा है? बाकी बहुत तरह की फाइलें आपकी किताब में हैं, आप उन सबको अपनी अपनी कॉपी पे बना के प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ आएगा कि आप इस तरह की फाइल का हस्त मुक्त हस्तांतरण कीजिए, तो आपको वो मालूम होना चाहिए किस तरह की फाइल कौन सी होती है और उसका चित्र कैसा बना। आपको कम से कम इतना समझ में आता है कि कोई भी औजार और उपकरण या कोई भी चीज़ें आप देख लोगे तो उसका एक आकार आप बना सकते हैं। आपने पंख देखा है, चिड़िया का पंख यूं रहता है, उसके धार पतली रहती है और उसमें इस टाइप से पीछे की तरफ हो जाती है, आगे की तरफ नहीं जाते, पंख में दांते पीछे की तरफ आती है, देखे हैं आपने पंख है ना, तो उसी प्रकार ये पंख ये इस डायरेक्शन में जाएंगे और ये इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, चलो एक ही डायरेक्शन में है तो हाथ बनाओ। आगे का शेप कुछ और बनाओ, हाँ बनाओ ये जो जो है फाइल में वो बनाइए, इसको इधर से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, ऐसा दिख रहा है देखो इधर से ऐसा दिख रहा है ठीक है। ये एक विभिन्न प्रकार की रेती का आपने चित्र बनाया। अब दूसरी होती है छेनी या चीजर, ये छेनी, छेनी क्या काम आती है काटने, ये सब कटिंग, ये काट छेनी को किसी भी चीज पे रख के उस पर अपन हथौड़े से चोट मारते हैं। ये जो छेनी है इसमें एक दो तीन चार आठ फलक है, कितने फलक है, तो ये ऑप्टेगुलर चीजर होती है, फ्लैट छेनी ऑप्टेगुलर छेनी है ठीक है। इसका सामने का सिरा फ्लैट होता है
और इसकी चित्र बनाएंगे। क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है, सामने की धार ऐसी होती है, इसमें मारने के लिए बोल्ट पॉइंट होता है और ये इस टाइप के शेप की। देखिए दिख रही है, ये है ऑक्टेगुलर चीजर, ऑक्टेगुलर फ्लैट चीजर, ये इसको फ्लैट छेनी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की छेनियाँ होती हैं जो अलग अलग कामों में आते हैं। जैसे क्रॉस कट छेनी होती है, डायमंड पॉइंट छेनी होती है जिसका एक पॉइंट नुकीला होता है, हाफ राउंड छेनी होती है जो आधी गोल होती है, ओमुख छेनी होती है जो आगे से गोलाई लिए हुए होती है, ऑफसेट छेनी होती है। ऑफसेट छेनी में क्या होता है, ये छेनी सीधी है, यदि छेनी को छेनी तो इस टाइप से बने तो वो ऑफसेट छेनी होती है। ऑफसेट छेनी का क्या काम है आता है, यदि कोई चीज अंदर है, हम डायरेक्ट छेनी को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो जहां मारने का हिस्सा है वो बाहर रहना चाहिए, लेकिन काटने का हिस्सा जो है वो अंदर रहना चाहिए। ठीक है ना, जैसे टेबल के इधर से काटना है तो वो युद्ध अंदर करके और यहां से चोट पहुंचाएगी तो उसको छेनी को चोट लगेगी और इस टाइप से ऑफसेट छेनी होती है। एक खोखली छेनी होती है जो मतलब अंदर से खोखली होती है, जब हमें गोल कटिंग करनी होती है तो हम खोखली छेनी का उपयोग करते हैं। एक फर्मर चीजर होती है, फर्मर चीजर जो मैं बताता हूँ काम, ये है फर्मर चीजर। इस टाइप की छेनी, ये फाइल नहीं है, ये छेनी है पतली सी, इसको काट के, और ये जनरली कारपेंटर लोग जो छिलते हैं ना साइड से, देखा है आपने सुधारों के पास है, उस टाइप की छेनी होती है। और इस प्रकार के अलग अलग छेनियों के चित्र बनाना आपको आने। अब कटिंग टूल्स का अगला पार्ट होता है आरी। आपने आरी देखी है, एक तो ये आरी है और एक वो सुतारों की आरी होती है। सुतारों की आरी किस प्रकार की होती है,
ये कौन सी आ रही है? हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड, हेक्सा हेक्सा फ्रेम ब्लेड के साथ ये वाली आ रही है, हैं? इसमें ये क्या है फिक्स है, इसके साइज को कम ज्यादा भी किया जा सकता है, जैसी भी आ रही होती है वो होती है एडजस्टेबल। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की आरियां होती हैं जो इसमें दर्शाई गई है, ठीक है। अब अगला आता है ड्रिल, ड्रिल को हम कल पढ़ेंगे, ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन को हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इन सब के चित्र बनाइए घर पे और चार तरह की हेक्सा, चार तरह की आरी, चार तरह की चीजर और चार तरह की रेती पाइप या आपको बना के लानी है सेशनल मार्क्स सेशनल के प्रो, ठीक है। अपनी अपनी कापियों में इसके लिए 3 दिन लगेंगे। ये सब सामान लेके ऑफिस में जाएंगे।